नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। उनके फैंस, उनके चाहने वालों में चिंता की लकीरें बन गई। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों द्वारा बताया गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सांस लेने में भी समस्या है और उनके कई बॉडी पार्ट ज्यादा अच्छे काम नहीं कर रहे। उनकी उम्र लगभग 88 से लेकर 90 वर्ष के हो गए हैं, उसकी वजह से ज्यादा उनके शरीर में थोड़ी बहुत वीकनेस बनी रहती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य कोरोना काल में बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत करने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वस्थ किया गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। मैं आपको बता दूं कि आए दिन सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वस्थ नहीं है या आप वो नहीं रहे, कुछ ऐसी अफवाह चल रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन आपको उनको नजरअंदाज कर देना है, उन वीडियोज को नहीं देखना। इस चैनल पर आपको सच्चाई और रियलिटी हमेशा मिलती रहेगी, तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वस्थ है, ठीक है, ईश्वर की कृपा से उनको कभी भी कुछ ना हो और बिल्कुल वो स्वस्थ है। ऐसी चिंता की बात कोई भी नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हो या वो ठीक ना हो। मैं आपको बता दूं कि वो स्वस्थ है, ठीक है, उनको कोई भी समस्या नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर आए दिन अफवाहें चल रही है, आपको नजरअंदाज कर देना, आपको उनको वीडियो को नहीं देखना है, सारी फेक न्यूज़ें बन रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पर आपको सच्चाई